अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अमीर ऑनलाइन टीवी। आज के वीडियो का टॉपिक है डेल कैम पावर शेप 2015। शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम अपेंड सर्विसेज इस टूल पे काम करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ये कर्व ये लगाया हुआ है, एक कर्व मैंने ये लगाया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे ये दो अलग अलग कर्व हैं, ये एक अलग है और ये एक अलग है। अब दोनों को हमने एक करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम एक कर्व को हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आएंगे हम अपेंड कर्व, उसके बाद हम ये नेक्स्ट दूसरे को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको अप्लाई कर देंगे। अगर इनकेस मज़ीद इसमें आगे कर्व हो तो हम उसको नेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ से अप्लाई करके ओके कर देंगे। तो अब मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये एक हो चुका है। इसी तरह से हम सरफेस पे भी काम कर सकते हैं। जैसे ये देख रहे हैं आप कि ये दो अलग अलग सरफेस हैं, ठीक है। तो अब हमने इन दोनों को एक करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो इन दोनों को एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ये पावर सरफेस में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह इसे भी हम राइट क्लिक कन्वर्ट सरफेस, इसे भी पावर सरफेस में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे इसके जो कर्व है, ठीक है, इस कर्व पे हम क्लिक करेंगे। कर्व पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे अपेंड जो है टूल, इस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे जिस सरफेस को हमने इसके साथ मिलाना है उस सरफेस पे हमने इसको सेलेक्ट किया है। इसके बाद यहाँ से हमने अप्लाई कर दिया और यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे। तो अब ये एक सरफेस हो गई है, ये आपस में मर्ज हो चुकी है। तो इस तरह से हम इस टूल के साथ जो कर्व्स हैं उनको भी मर्ज कर सकते हैं और इसी तरह जो सरफेस हैं उनको भी अपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सप्लाइंग दी सरफेस। हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ कर्व लगाए हैं, तो उन पे देखेंगे कि हम मज़ीद क्या क्या काम कर सकते हैं। फर्स्ट करें, यहाँ पे मैंने ये एक कर्व जो है वो सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे है मेरे पास सप्लाइंग दी कर्व, इसको मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं कोई भी पॉइंट जो है सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे टू जो है सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं उसको ऑर्डर कर रहा हूँ स्प्लाइन कर्व, तो इसको मैं यहाँ पे प्रीव्यू करूँगा। तो आप देख रहे हैं कि उसने उसको उसके साथ स्मूथ कर दिया है ऑटोमेटिकली। लाई ओके। तो आप ये देख रहे हैं कि उसने इसको यहाँ से इसको इसके साथ स्ट्रेट कर दिया है, ये स्प्लाइन कर दिया है। इस तरह से किसी भी पॉइंट को हम स्प्लाइन कर सकते हैं। नंबर 3 है भाई, ओके। तो ये आप देख रहे हैं इसको 4 के साथ उसने स्प्लाइन कर दिया है, यानी कोई भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से उसको स्मूथ करने के लिए हम ये कमांड इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे है री नंबर दी कर्व पॉइंट, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और यहाँ से इसको यहाँ पे अब मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जिस पॉइंट को हम सेलेक्ट करें वही इसका फर्स्ट पॉइंट बन जाए। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं री नंबर द कर्व पॉइंट,
इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये इसका फर्स्ट पॉइंट बन गया और ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ। इसी तरह मैं फर्ज करें ये टू को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ री नंबर दी कर्व पॉइंट, तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट बन गया और प्लस ये हो गए हैं। इस तरह से हम किसी भी क्लोज कर्व के पॉइंट को री नंबर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे है कर्व इज ओपन प्रेस टू क्लोज। अब यहाँ पे एक ओपन कर्व है जो हमारे सामने लगा हुआ है, अगर हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आके इसको क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है, ये कर्व को क्लोज करने के लिए है। इसी तरह से अगर यहाँ पे हमारे पास है रिवर्स दी कर्व, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी डायरेक्शन जो है 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैं इसको रिवर्स दी कर्व पे क्लिक किया तो ये 1 जो है वो इधर आ गया 1 2 3 4 5, यहाँ से क्लिक किया तो ये 1 इधर आ गया 1 2 3 4 5, यानी इसकी जो नंबरिंग है उनको रिवर्स करने के लिए किसी भी कर्व की हम यहाँ से इसको रिवर्स द कर्व टूल को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे ये ब्रेक सरफेस और स्टिच, ये मुख्तलिफ टूल हैं, तो इसके लिए हम काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।